हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकाउलन। आज हम बात करने वाले हैं भगत राम निवास के बायोग्राफी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, भगत राम निवास जी का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गाँव सुनरिया नामक गाँव में हुआ है। बचपन से ही भजन कीर्तन में रुचि होने के कारण इन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ कर सादा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। भाई धीरे धीरे छोटे मोटे प्रोग्रामों में गाना बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और इन्होंने एक ऐसे मुकाम को प्राप्त कर लिया जो कि उस टाइम तक संभव नहीं था। इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आज भी इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी आप YouTube पर राम सर्च करेंगे, सिर्फ राम, तभी सर्च बार में आपको राम निवास के भजन बिल्कुल आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और काफ़ी अच्छे गीत भजन के थे। इन्होंने जो जीवन की परिभाषा दी है, चाहे वो जीवन मरण में लकड़ी हो या फिर कोई अन्य भजन हो, बहुत ज़्यादा सुंदर इन्होंने उसमें व्यंग्य किया है। हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा भी इनको गुरु मानते हैं और इन्होंने न कि भजन कीर्तन बल्कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भजन भी गीत भी गाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मनमोहक हैं। और इनके भजन समाज के लिए एक आईना प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग हैं जो इनके भजनों को एक जाति विशेष के पर संज्ञा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर निंदनीय है।